हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? दोस्तों, आपका दोस्त सोमेन घोष आज फिर प्रेजेंट हो गया और आपको मालूम ही है बहुत जल्दी मकर संक्रांति आने वाला है 14 तारीख को, और उस दिन से आपकी पूरे के पूरे हिंदुस्तान में काइट फ्लाइंग, काइट फाइटिंग सब शुरू हो जाएगा, और मकर संक्रांति से लेकर के आपका वसंत तक पूरे जो है गुजरात में, आपका यूपी में, पंजाब में, और आपका राजस्थान में, और आपका मध्य प्रदेश में, इस पूरे बेल्ट में काफी पतंग उड़ता है बच्चों। अच्छा, तो मैंने सोचा कि बच्चों को आज मैं कुछ पतंग उड़ाने के ट्रिक्स के बारे में, कुछ पेच काटने के ट्रिक्स के बारे में, और कुछ आपके उसके कन्ने वगैरह बांधने के ट्रिक्स के बारे में, कुछ उसमें टेप्स लगाने के ट्रिक्स के बारे में, ये सब बताऊं। मैंने हालांकि लास्ट ईयर मैंने इस तरह के पांच पार्ट के वीडियो बनाए थे, लेकिन क्या होता है कि जब आप एक पार्ट देखते हो तो दूसरा देखना भूल जाते हो, तो दूसरा देखते हो तो तीसरा देखना भूल जाते हो, फिर YouTube में तो लाखों करोड़ों के तादाद में वीडियोस हैं, उन वीडियोस कहाँ पे खो जाता है पता ही नहीं चलता। तो इस करके मैंने सोचा कि एक ही वीडियो के अंदर आपको ये सब बातें बता दूं। अच्छा बच्चों, सबसे पहले आप जब पतंग खरीदने जाएंगे, ये देखिए, ये पौने की पतंग है और ये अधी की पतंग है। ये जो पौने की पतंग है ये तो ग्राउंड्स के लिए अच्छी होती है, जैसे क्लब वाले लड़ाते हैं उनके लिए अच्छी होती है, लेकिन छतों पे उड़ाने के लिए जो आपके पौने के पतंग इतने अच्छे नहीं होते हैं। छतों पे उड़ाने के लिए जो सीजनल उड़ाते हैं, त्योहारों में उड़ाते हैं, लाइक मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, होली, सरस्वती पूजा, और आपका फिर आपका विश्वकर्मा पूजा, और इस तरह से जो त्योहारें होते हैं, अक्षय तृतीया, रक्षाबंधन, सारे त्योहारों में हिंदुस्तान में तकरीबन सारे त्योहारों में बहुत पतंग उड़ता है। तो छत पे जो आप लोग त्योहारों में पतंग उड़ाते हो तो उसमें आप लोगों के लिए अधी पतंग ठीक रहती है। अब मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं, जैसे ही आप पतंग खरीद करके ले आओगे तो क्या करोगे, सबसे पहले आप उसमें टेप लगाओगे। तो टेप कैसे लगाओगे वो मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपको बता दूं, आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, और ये वीडियो बहुत फायदेमंद वीडियो है, जो बच्चे हैं, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं जिनको पतंग उड़ानी बहुत अच्छी नहीं आती, उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो है ये। सबसे पहले जब आप पतंग खरीद करके ले आओगे तो उसके जितने भी जॉइंट्स हैं सब जॉइंट्स में टेप लगाओगे, लाइक दिस। ये एक जॉइंट यहाँ पे होता है, एक जॉइंट आपका यहाँ पे आ जाता है, और फिर उसके बाद जो है एक जॉइंट यहाँ पे आ जाता है, और एक जॉइंट यहाँ पे आ जाता है, और एक जॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, एक जॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, और एक जॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले तो आपने इस तरह से सारे जॉइंट पे आपने टेप लगाना है, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद थोड़ा सा दो लंबा टेप लेकर के आप लगाओगे, और लंबा टेप जो है इस तरह से लगाओगे आप। लंबा टेप आप इस तरह से लगाओगे, ये मैं आपको कलर टेप लगा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये टेप्स किस तरह से लगी है, और आपको ऐसे ट्रांसपेरेंट टेप लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह का टेप जो है, ये पौना इंची टेप होता है, ये आधा इंची टेप होता है, आप इस तरह का टेप खरीदते हैं, ये सस्ता पड़ेगा। ये वाला 15 रुपये का एक टेप पड़ता है, लगभग इस पर 40 से 45 पतंगों में टेप लग जाती है, और ये 12 रुपये का एक पड़ता है, 10 रुपये का भी पड़ता है, 10 से 12 रुपये का पड़ता है, इससे भी 40 से 45 पतंगों में टेप लग जाती है। और अब आपने क्या करना है,
अगर हवा तेज चल रही हो, अगर हवा काफी तेज चल रही हो, मोर देन 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड, तो आपने क्या करना है, आपने उस समय इस तरफ से दो लंबे टेप लेकर के ये देखिए दो लंबे टेप लेकर के आपने यहां पे लगाना है, और इन सभी चीजों का मैं आपको कारण बता दूंगा कि किस कारण से ये टेप लगाई जाती है। ये देखिए अब आप इसको समझ लीजिए, अभी आप इसको देखिए, ये सारे यहाँ पे जॉइंट्स में ये टेप लगाए गए हैं, और ये टेप यहाँ पे सारे लगाए गए हैं, और दो टेप आपने यहाँ पे लंबा लगाना है, और इस तरह से लंबा टेप लगा देना है। अब मैं आपको बताऊं बच्चों, यहाँ पे टेप लगाने का क्या कारण है, जब हवा काफी स्पीड रहती है, मोर देन 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहती है, तो पतंग का जो है ये पोर्शन बहुत तेज हिलता है, ये जो पूंछ के पास का हिस्सा है, तो पतंग सारा आपका यहाँ से फट जाता है। अगर आप ये टेप लगा दोगे तो फिर पतंग आपका जल्दी नहीं फटेगा, और ये जो आपने सारे टेप्स लगाए हैं, अगर पतंग आपकी जमीन पे टकरा जाएगी इस तरह से जा करके, तो ये पतंग कहीं से भी नहीं फटेगा। इस पतंग को आपको काफी इससे प्रोटेक्शन मिल जाता है। अब मैं आपको इसमें कन्ना बांधना सिखाऊंगा कि कन्ना कैसे बांधा जाता है। कन्ना बांधने के लिए ऊपर का कन्ना तो सबसे ज्यादा कॉमन होता ही है, वो आप लोगों को पता ही है, ये देखिए इस तरह से। और जो अगर हवा मीडियम चल रही है, तो मीडियम हवा के लिए इस जगह सुराख करना है आपने, ये देखिए ये मैं सुराख करके दिखा रहा हूँ, इस जगह मीडियम हवा के लिए। और हवा अगर बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज, मोर देन 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड, जो कि पतंग के लिए, कागज के पतंग के लिए बहुत ज्यादा होता है 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, तो ये आपने छोटा कन्ना बांधना है मीडियम हवा के लिए। और अगर हवा मीडियम या कम चल रही है, तो आपने ये पत्ते के ऊपर कन्ना बांधना है। आप इसको देख लीजिए बड़े अच्छी तरह से, ये आपको जब मकर संक्रांति के दिन आप लोग या बसंत पंचमी में या होली में पतंग उड़ाएंगे तो आपको बहुत फायदा देगा। अभी आप देखिए इसमें मैं कन्ना बांध करके दिखाता हूं, ये मैंने जो सद्दी ली है, ये सद्दी आपका जो है, ये सद्दी आपका चार नंबर सद्दी है। अगर आप चार नंबर सद्दी से बांधोगे तो आप सिर्फ डबल बांधना, इसको डबल करना, डबल से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ये चार नंबर अगर सद्दी है, मोटी सद्दी है, तो डबल बांधना, नीचे के हिस्से में भी डबल कर लेना, ऊपर के हिस्से में भी डबल कर लेना। और अगर कहीं आपने आठ नंबर सद्दी ली, जैसे ये आठ नंबर सद्दी है, बारीक सद्दी है ये, तो आप इससे क्या करना, ट्रिपल बांधना। ये देखिए एक, वन, टू एंड थ्री, इसको ट्रिपल कहते हैं, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह से इसको ट्रिपल बांधना आप, अगर बारीक सद्दी लोगे तो तीन बार ये करना, और अगर आप मोटी सद्दी लोगे तो दो बार करना। बारीक सद्दी में इस हिस्से में ट्रिपल आ जाएगा, और मोटी सद्दी में इस हिस्से में डबल आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये मैं मोटी वाली सद्दी से बांधता हूं, तो इसका कैसे बांधते आप देखिए। ये जो मैं अभी जो कन्ना आपको बांध के दिखा रहा हूँ, ये मीडियम वाला बांध करके दिखा रहा हूँ, तो मीडियम वाला जो ज़्यादातर आपका मीडियम हवा, आप किसको कहते हैं, मीडियम हवा जो है आपका समझ लीजिए 5-6 किलोमीटर से लेकर के 12 किलोमीटर तक हवा को जो हम लोग मीडियम मानते हैं। ये देखिए अगर मीडियम हवा चल रही है उस दिन, तो ये मीडियम हवा के लिए मैंने कन्ना बांधा है, और इसको जो है रेगुलर कन्ना कहते हैं हम लोग। और थोड़ा सा आगे के हिस्से में स्लांट दे दीजिएगा ऐसे करके, और ये एक फंदा बांध दीजिएगा। और सबसे अच्छा कभी आप इसमें जब मंझा बांधते हैं, मान लीजिए इसमें अगर आप मंझा बांधते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि मंझा जब हम यहाँ पे बांधते हैं तो ये फंदा बन जाता है कई बार, और आपका पतंग जो है बैलेंस इसकी खराब हो जाती है और ये नीचे गिरने लगता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा, आप इसको इस तरह से कन्ना बांधिए, इस तरह से अगर आप कन्ना बांधेंगे तो फिर आपका जो ये फंदा नहीं बनेगा और आपका पतंग जो है बहुत अच्छा उड़ेगा। तो आप समझ लीजिए ऊपर का कन्ना जैसे बांधते हैं वैसे, अगर सद्दी मोटा है तो डबल बांधिएगा,
रेगुलर इस जगह आपने बांधना है, और अगर हवा बहुत तेज है तो आपने ये छोटा कन्ना बांधना है, इसको डेढ़ कन्या कहते हैं, इसको डेढ़ कन्या कहते हैं, और इसको मीडियम कन्ना कहते हैं। और अगर हवा मीडियम है और काफ़ी दूर पेच लड़ाना है तो आपने इस पत्ते के ऊपर बांधना है। तो आप समझ लीजिए कि अब क्या करना है। सबसे पहले आप दुकान में जाएंगे तो इस तरह की मीडियम पतंग लेंगे, ये देखिए, ये भी मीडियम होना चाहिए और ये भी मीडियम होना चाहिए, बहुत हार्ड पतंग नहीं होना चाहिए। और आपको जो पतंग खरीदना है वो अधी की पतंग खरीदना है। अधी की पतंग छत के ऊपर से सबसे अच्छा लड़ता है, त्यौहार जो होती है त्यौहारों में सबसे अच्छा अधी की पतंग लड़ती है। अब इसकी हम दिखाएंगे आपको कि जैसे मान लीजिए आपने इसमें सारा टेप लगा लिया, तो आपको एक जगह टेप और लगाना है, वो जगह कौन सी है, वो जगह ये वाली है। इस जगह को आप लोग जरूर टेप से बंद कर दीजिएगा, ये जो यहाँ पे आपने कन्ना बांधा था इस जगह को टेप से जरूर बंद कर दीजिएगा। इसको बंद करने का कारण ये है कि जब कभी हवा तेज चलती है और पतंग काफ़ी देर तक आसमान में आपकी उड़ रही होती है, मोर देन वन आवर, ऐसे तो ज़्यादातर 10-15 मिनट में दो तीन पतंगों को काटने के बाद ज़्यादातर लोगों की पतंग कट जाती है, लेकिन कोई कोई प्लेयर बहुत ही अच्छा आता है, वो लगातार पेच काटता रहता है, मतलब एक पतंग से कम 50-60 पेज भी काट देता है, कभी कभी तो वो अगर उसको मौका मिल जाए तो 100-100 पेज भी काट देता है, वो इतना अच्छा प्लेयर होता है। तो उस स्टेज में क्या होता है, अगर आपकी पतंग 2-3 घंटे आसमान में उड़ जाएगी तो यहाँ से ये जो आपने कन्ना बांधा था पीछे का, ये स्लिप करना शुरू कर देता है, स्लिप करते करते आगे आ जाता है, तो पतंग का जो आगे का कन्ना इस तरह से हो जाता है, फिर पतंग चक्री खाने लग जाती है, इस तरह से चक्री खाने लग जाती है। तो इस करके जब आप टेप लगा देंगे तो ये पतंग का कन्ना आगे स्लिप नहीं करेगा। और अब इसकी यह है जो झप मोड़ने की बारी है, तो क्या करते हैं ज़्यादातर बच्चे जो क्या करते हैं बीच में से यहाँ से मोड़ते हैं ना, ये बिल्कुल गलत है, यहाँ से आपने बिल्कुल नहीं मोड़ना, यहाँ से नहीं मोड़ना। तो फिर आपने कहाँ से मोड़ना है, आपने मोड़ना है बिल्कुल इस जगह से, कहाँ से, ये देखिए सामने के हिस्से से मोड़ना है, यानी जहाँ पे आपने ये ऊपर का कन्ना बांधा था, इस ऊपर के कन्ने के ठीक 2 इंच या 2.5-3 इंच मैक्सिमम 3 इंच, 2 से 3 इंच यहाँ से आपने सामने की तरफ से कन्ना, यहाँ से आपने इसका ये झप मोड़ना है। ये देखिए जहाँ पे आपने कन्ना बांधा था यहाँ से झप मोड़ना है। कई कई बच्चों को मैं देखता हूँ कि यहाँ से मोड़ देते हैं, बच्चों उससे पतंग आपकी पूरी खराब हो जाती है, ठीक से नहीं उड़ पाती है। अच्छा, तो ये तो मैंने पतंग में टेप लगाना और इसका कन्ना बांधना, तेज हवा में छोटा कन्ना जिसको डेढ़ कन्या कहते हैं, और अगर हवा मीडियम है तो ये मीडियम कन्ना, और कन्ने को बांधने के बाद यहाँ से टेप जरूर लगाना है, और मीडियम हवा और बहुत दूर अगर पेच लड़ाना है, 1000 मीटर तक पेच लड़ाना है, तो फिर आपको कन्ना यहाँ पे बांधना चाहिए। और त्योहारों के लिए पतंग जो खरीदना चाहिए आपको, वो ये देखिएगा कि ये हल्की होनी चाहिए, बहुत हल्की नहीं, मीडियम होनी चाहिए, ताकि आप खींच के भी लड़ा सके और ढील से भी लड़ा सके, और ये भी मुलायम होना चाहिए, बहुत वो नहीं होना चाहिए। जो ये चीज़ बहुत जानदार उड़ाते हैं लोग, और ये भी बहुत जानदार, वो बहुत दूर पेच लड़ाते हैं, और वो ज़्यादातर ग्राउंड्स में जो क्लब्स वाले हैं वो लोग लड़ाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया मैंने आपको पतंग में टेप लगाना और उसमें कन्ना बांधना और उसका झप मोड़ना। झप आपने यहाँ से मोड़ना है, ये जहाँ पे आपने ऊपर का कन्ना बांधा था यहाँ से झप मोड़ना है। और अब मैं आपको मंझा किस तरह का खरीदना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये देखिए मेरे पास जो मंझा है, ये मैं स्टैंड पे ही लगा देता हूँ। ये मंझा क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चे पहचान नहीं पाते कि अच्छा मंझा कौन सा है कौन सा नहीं है। हालांकि अगर आप मेरा जो मंझा के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था, 3-4 वीडियो बना रखा है मैंने, बेस्ट मंझा मेकर्स ऑफ इंडिया बाई सोमेन घोष, इस नाम से अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें जो अच्छे अच्छे मंझा बनाने वाले जो क्लब्स में सप्लाई करते हैं, उनका मंझा खराब नहीं होता, उनका मंझा बहुत अच्छा होता है, उन्हीं का ही मंझा सबसे ज़्यादा अच्छा होता है जो क्लब्स को सप्लाई करते हैं। तो वो मैंने एक वीडियो बनाया था, एक नहीं 3-4 वीडियो बनाया है, बेस्ट मंझा मेकर्स ऑफ इंडिया, उस वीडियो को आप देखो। उस वीडियो में जितने भी मंझा मेकर्स हैं, अगर आपको उन कारीगरों का मंझा मिल जाता है ना, तो सोने में सुहागा रहेगा बच्चों आपके लिए। और अगर नहीं मिलता है तो आप एक काम कर सकते हो, आप जैसे ये मंझा है तो इस मंझे को आपने इस तरह से ज़ीरो बनाना है। ज़ीरो बनाने के बाद क्या करना है कि ज़ीरो बनाने के बाद एक सिरे को दूसरे सिरे से पकड़ लेना है, और एक सिरे को खींच करके ऐसे रखोगे, और ये देखो मंझा दो टुकड़ा हो गया। तो इसका मंझा, इसका मतलब क्या है, मांझा में धार है। अच्छा, जो 14 जनवरी से लेकर के पूरा मार्च तक जिन स्टेट्स के अंदर पतंग उड़ता है, जैसे आपका गुजरात हो गया, फिर गुजरात के बाद आपका हो गया राजस्थान, फिर हो गया यूपी, फिर पंजाब, और फिर आपका मध्य प्रदेश, इन सब स्टेट्स के अंदर क्या सर्दियों में बहुत पतंग उड़ती है। 14 जनवरी से शुरू हो जाता है, 14 जनवरी से लेकर के आपका बसंत तक, या बसंत के बाद होली में भी पतंगें उड़ती हैं बहुत जगह, इलाहाबाद में तो बहुत होली में पतंग उड़ती है। तो उसमें क्या होता है कि सर्दियों का टाइम होता है, सर्दियों के टाइम में जो आप मांझा खरीदोगे ना, बहुत ज़्यादा धार वाला खरीदना, जितना मैक्सिमम धार वाला खरीदोगे मांझा, आपको उतना ही फायदा होगा। उसका कारण क्या है कि सर्दियों में ओस बहुत गिरता है, और ओस गिरने की वजह से जो है मांझे में धार कम हो जाता है अपने आप,
ठीक है मांझे में धार कम हो जाता है, इसलिए आप मैक्सिमम धार वाला मांझा खरीदना, कम धार वाला मत खरीदना। कम धार वाला मांझा खरीदोगे तो ओस की वजह से उसका धार और भी बैठ जाएगा। आपने तो बिल्कुल एकदम ज्यादा से ज्यादा धार वाला मांझा खरीदना है, और उसके लिए आपको मैंने बता दिया इस तरह से मांझा खोलोगे, दुकानदार से मांझा लेने लोगे तो आप इस तरह से एक बड़ा सा जीरो बनाओगे, जीरो बनाओगे और एक मांझे को दूसरे मांझे के ऊपर रख करके ऐसे करके खींचोगे, और अगर मांझा दो टुकड़ा हो गया इसका मतलब आपके मांझे में धार है। अगर आपके मांझे में धार है तो दूसरे पतंग को जरूर काटेगा, लेकिन अगर आपके मांझे में ही धार नहीं होगा तो किसी सूरत में दूसरी पतंग को नहीं काट सकेगा। और आप लोग चाइनीज मांझा बिल्कुल मत उड़ाना, मेरे को बहुत नफरत है चाइनीज मांझा से, क्योंकि वो मांझा है ही नहीं, वो तो प्लास्टिक का बना हुआ है। इस तरह से कल को कोई लोहे के तार का मांझा बना लेगा तो क्या वो मांझा होगा? वो मांझा नहीं होगा, वो प्लास्टिक है, इसको मांझा नहीं माना जाता है। मांझा हमेशा आप ध्यान रखना कॉटन का होता है, और ये बिल्कुल सेफ होता है। जो कॉटन का मांझा होगा वो सेफ है, आपके उड़ाने वाले के लिए भी सेफ है, और जो बच्चे सड़क पे जो जा रहे हैं, लोग जो जा रहे हैं स्कूटी वगैरह पे मोटरसाइकिल, उनके लिए भी बहुत सेफ होता है। चाइनीज मांझा इसीलिए डेंजरस होता है, प्लास्टिक का मांझा इसीलिए डेंजरस होता है, फिर मेटल पाउडर कोटेड मांझा इसीलिए डेंजरस होता है कि आपको भी रिस्क है और जो लोग सड़क पे जा रहे हैं टू व्हीलर्स के ऊपर उनको भी रिस्क है। इसलिए आप हमेशा कॉटन मांझा उड़ाइए, और कॉटन मांझा जो है अच्छे कारीगर का खरीदिए। और अगर आपको बिल्कुल भी मांझा पहचानना नहीं आता तो इसी तरह से मैंने फिर आपको बता दे रहा हूँ कि बड़ा सा एक जीरो बनाना, ओ बनाना, और उसको एक हिस्से को पकड़ के दूसरे हिस्से को ऐसे खींच देना है, ये कट के अलग हो जाएगा तो मांझा अच्छा है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि पूरे मांझे से पतंग कभी भी नहीं उड़ाना चाहिए। पूरे मांझे से अगर आप पतंग उड़ाओगे तो आपका पेच कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, पीछे सद्दी लगानी है। अगर आप छोटी पेच लड़ा रहे हो तो चार नंबर की सद्दी लगाओ, ये मोटी सद्दी होती है, जो ये मेरी चरखी पेच स्टैंड पे लगा हुआ है, आप ये देखो ये चार नंबर की सद्दी है। तो आप छोटे पेज के लिए चार नंबर सद्दी लगाओ, और अगर पेज काफी दूर लड़ा रहे हो तो उसके लिए आठ नंबर सद्दी लगाओ। ये बारीक सद्दी होती है, ये आठ नंबर कहलाती है। एक छह नंबर सद्दी भी आती है, एक तीन नंबर भी आती है, लेकिन सबसे ज्यादा आइडियल जो सद्दी होती है वो आठ नंबर होती है, और चार नंबर, चार नंबर तो सबसे अच्छा होता ही है। अगर चार नंबर अगर आप सद्दी पीछे लगाओगे आगे मंझा लगाओगे तो आपकी खींच भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और तेज हवा में तो ये बहुत ही बढ़िया रहता है, ये चार नंबर की सद्दी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि पेज कैसे लड़ाना चाहिए, तो उसका भी एक वो है कि आपको मैंने पतंग में टेप लगाने के बारे में बता दिया, मांझा कैसा खरीदना वो भी बता दिया, सद्दी कैसा। अब आते हैं पेच लड़ाने के ऊपर, तो मैं दो डमी पतंग से आपको पेच लड़ाना बता देता हूँ। मान लीजिए 14 जनवरी वाले दिन, जिस दिन मकर संक्रांति का आपका त्यौहार होगा, उस दिन अगर मान लीजिए हवा बहुत कम चल रहा है, 6-7 किलोमीटर की स्पीड चल रहा है, तो आप मान लीजिए आपकी ये पतंग पिंक वाली पतंग आपकी है, आप नीचे से लड़ा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप एक दो चक्कर देंगे, हवा बहुत कम चल रहा है, अगर उसने पतंग ढीला छोड़ दिया तो आप फटाक से खींच लीजिए, आप ऐसे टेपर से बाहर खींच लीजिए, या सीधा भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीधा खींचने में थोड़ा सा आपको ताकत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और बेटर तो ये है कि आप टेपर खींच लीजिए, अगर वो ढीला छोड़ देता है, बिल्कुल ढीला छोड़ देता है, आप खींच के काट दीजिए। और अगर आप ऊपर से लड़ा रहे हैं तो ऊपर से लड़ा रहे हैं तो आप उसमें टेपर गद्दा भी ऐसे मार सकते हैं, ऐसे करके गद्दा मार करके पूरा ऐसे करके रगड़ के आप तब तक खींच करके रगड़ करके उसको जब तक उसकी पतंग कट ना जाए आप खींचते रहिए ऐसे करके। लेकिन ये तब आप करेंगे जब सामने वाले ने ज्यादा ढील दे रखा है, बहुत जरूरत से ज्यादा ढील दे रखा है तब। और अगर आपकी हवा अगर बहुत तेज है तब आप जो है खींच के बिल्कुल भी मत लड़ाना। मान लीजिए 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की हवा चल रही है तो आप खींच के बिल्कुल मत लड़ाना, तब आप ढील से लड़ाना, मैक्सिमम ढील से लड़ाना। अगर मान लीजिए कि आप ऊपर से लड़ा रहे हैं और वो नीचे से लड़ा रहा है, दोनों पतंग ऐसे आते हैं और ये ढील का पेच फंस जाता है, तो आपको उस टाइम चक्कर देना पड़ेगा। चक्कर ये वाला नहीं देना, अगर आप लेफ्ट हैंड से लड़ा रहे हो और ऊपर की तरफ से आपने अपनी पतंग रखी है तो आपने चक्कर इस तरह की नहीं देना। आपने क्या चक्कर देना है, आपने ये रिवर्स चक्कर देना है, यानी भीतर की तरफ चक्कर देना, उसके राइट हैंड की तरफ चक्कर देना। मान लीजिए ग्रीन वाली पतंग आपकी है, आप ढील से लड़ाना चाह रहे हैं, आपने पतंग आपने लेकर के यहाँ पे आए, और उसके बाद क्या है कि आपने ये चक्कर मत देना, ये चक्कर अगर आप बाहर की दोगे तो आपकी पतंग जरूरत से ज्यादा ढीली पड़ जाएगी। आपने क्या करना है, भीतर की चक्कर देना, ये भीतर की चक्कर दोगे तो आपकी डोर टाइट रहेगी और डोर टाइट स्लिप करती हुई जाएगी, उसके पतंग को काट देगा। ये भीतर की चक्कर देना है, अगर वो प्लेयर राइट हैंड साइड पे बैठा हुआ है और आपने ऊपर से लड़ाया है तो आप ऐसे करके भीतर की चक्कर देना उसको। ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, बिल्कुल जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनको अभी पतंगबाजी के ABCD भी नहीं मालूम, उनको काइट फाइटिंग आती नहीं है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो अपने आप ही सब कुछ कर लेते हैं, क्योंकि पेज के 100 से भी ज़्यादा मेथड है, और जिसका जितना प्रैक्टिस होगा वो उतना ही अच्छा पतंग लड़ाएगा। तो आपको मैंने बता दिया, अगर आप इसी तरह से नीचे से लड़ा रहे, मान लीजिए पिंक वाली पतंग आपकी है, आपने नीचे से लड़ाया, ग्रीन वाली ऊपर से आया,
तो आपने क्या करना है, आप राइट हैंड से लड़ा रहे हैं, वो लेफ्ट हैंड में है, उसने जैसे ही आपको ऊपर पतंग रखा आपने खींचा, थोड़ा सा खींच करके, टाइट खींच करके, हवा बहुत तेज चल रही है, तो आपने ये वाला चक्कर नहीं देना है, ये चक्कर नहीं देना है, ये चक्कर नहीं देना, आपने कौन सा चक्कर देना है, ये भीतर की तरफ चक्कर देना है, यानी जिस तरफ से वो लड़का पतंग उड़ा रहा है, अगर वो लेफ्ट हैंड पे बैठा हुआ है तो आपने इस तरह भीतर की तरफ चक्कर देना है, भीतर की तरफ चक्कर दोगे आपकी डोर जो टाइट स्लिप करती हुई जाएगी उसकी पतंग को फट से काट देगी, और अगर आप बाहर की चक्कर दोगे बाई चांस उसकी पतंग काट भी दोगे ना तो आपकी पतंग जाने की भी, आपकी पतंग टूट के जाने की भी चांसेस बन जाएंगे। इसीलिए अगर आप राइट हैंड से लड़ा रहे हैं, आपकी पिंक वाली पतंग है, उसकी ग्रीन वाली पतंग है, उसने अगर ऊपर से रखा है तो आप इसको ऐसे करके भीतर की तरफ चक्कर देना, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और मेरे चैनल का नाम आप लोगों को पता ही है, सोमेन घोष जी यही नाम है। मैं देखिए आप लोगों को छोटे छोटे बच्चों को बताने की कोशिश करता हूँ कि काइट फाइटिंग के किस किस तरह से क्या क्या मेथड्स होते हैं, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ, बाकी तो प्रैक्टिस के ऊपर होता है। और मैंने अपने काफ़ी लंबे टाइम तक बहुत पतंग उड़ाया, क्लब में भी उड़ाया, छतों पर उड़ाया, त्यौहारों में उड़ाया, और हिंदुस्तान में तो हर त्यौहार के अंदर इतनी काइट फाइटिंग होती, इतनी काइट फाइटिंग होती जिसको आप लोग फुल इंजॉय करो। और इसके फायदे भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, मकर संक्रांति पे इसलिए पतंग उड़ाया जाता है, इसका साइंटिफिक रीजन भी बताता हूँ, इसलिए पतंग उड़ाया जाता है क्योंकि हम लोग तो अपने शरीर को गर्म खाना वगैरह खा करके, जैसे तिल की पट्टी, गुड़ की पट्टी, मूंगफली की पट्टी, ये सब खा करके शरीर को भीतर से गर्म रखते हैं, लेकिन जो हमारी स्किन होती है ये सूरज की रोशनी से ही, जो इसको विटामिन डी मिलता है, सबसे ज़्यादा विटामिन डी सूरज की रोशनी से मिलता है। इसमें जो काइट फाइटिंग में या पतंग जो आप लोग छत पे उड़ाते हैं सारा सारा दिन, यानी आप लेकर के मकर संक्रांति से लेकर के आप वसंत पंचमी तक पूरा जो सर्दियों में पतंग उड़ाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सूरज की रोशनी की कृपा आपके ऊपर बरसती है, और ये जो सूरज की रोशनी होती है आपकी सारी बीमारियों को ठीक करता है, और विटामिन डी तो भरपूर मात्रा में देता है, ये साइंटिफिक रीज़न है। उसके अलावा जो आप 5-6 घंटे खड़े होकर के छतों पर पतंग उड़ाते हो, आपका डाइजेशन पावर बहुत बढ़ जाता है, इवन आपकी आँख की जो रोशनी होती है वो भी बहुत ही अच्छी हो जाती है, तो पतंग उड़ाने के बहुत फायदे हैं। और इसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर वगैरह भी, जिन बुजुर्गों को ब्लड प्रेशर होता है या शुगर की प्रॉब्लम होती है वो भी थोड़ा कंट्रोल में रहता है इससे, क्योंकि आपका जो माइंड है, माइंड बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाता है, जब आप पतंग उड़ाते हैं ना नीले आसमान की तरफ देख के, आपका माइंड बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाता है, इसलिए जो है आपकी ये सब काफ़ी बीमारियाँ ठीक कर देती है। लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रिकॉशन भी लेना पड़ता है। प्रिकॉशन क्या लेना पड़ता है, जैसे ही आप छत पर चढ़ो पतंग उड़ाने के लिए, सबसे पहले कॉटन की टेप आती है और केमिस्ट शॉप में मिल जाती है वो टेप, यहाँ पे तो मैं इस टेप को ही लगा के दिखा देता हूँ, ऐसे आप अपनी उंगलियों के खांचे में वो टेप जरूर लगाना, इस तरह से सारी उंगलियों में लगाना, मैंने एक में लगा के दिखा दिया, सारी उंगलियों में, थंब में, सब में लगाना, जिस हाथ से आप पतंग उड़ा रहे हो, अगर राइट हैंड से उड़ा रहे हो तो राइट हैंड में लगाना सारे के सारे पाँचों उंगलियों में, अगर लेफ्ट हैंड से उड़ा रहे हो तो लेफ्ट हैंड में भी लगाना। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस छत पर रेलिंग ना हो, जिस छत पर रेलिंग ना हो वहाँ से पतंग नहीं उड़ाना है, जहाँ पे हाई टेंशन वायर है छत के आसपास तो वहाँ से भी नहीं उड़ाना है। अगर आप ग्राउंड से उड़ा रहे हैं तो ग्राउंड में आपने जरूर देख लेना कोई कुआं या खड्डा या कोई तालाब या कोई नदी नाला वगैरह तो नहीं है आसपास, अगर ऐसा है तो आप बहुत संभल करके पतंग उड़ाइए। और अगर आप पतंग एक जगह खड़े होकर के उड़ाएंगे, चाहे आप छत से उड़ाइए चाहे ग्राउंड से उड़ाइए, अगर एक जगह खड़े होकर के पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके साथ कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। एक जगह खड़े होकर के कोशिश करिए पतंग उड़ाने की। अच्छा दोस्तों, अब मैं ये वीडियो बंद कर लूँगा, मेरा वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना है, मेरे चैनल का नाम है सोमेन घोष। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।